the Hellcat. हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे मोंटी व्लॉग्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइटिंग सेटअप्स के बारे में। मैं इसके पहले जो भी वीडियोस बनाता था वो पूरी डीजे से रिलेटेड वीडियो थे, पूरे डीजे के व्लॉग थे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये पूरा लाइटिंग सेटअप होगा, मैंने इसके अंदर कौन कौन सी लाइटें यूज़ की, कौन सी पार लाइट यूज़ की है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जो है लाइक कीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में एंटर कीजिए ताकि मैं आपके लिए कुछ उस टाइप की वीडियोज़ बनाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारे प्रोग्राम की एंट्री, ये हमारा मेन गेट है। इसके अंदर हमने सबसे पहले इसको बलून से डेकोरेशन किया हुआ है, देन उसके बाद हमने इसके अंदर मेटल रॉड यूज़ की है हर एक पर्टिकुलर टेंट पर। ये इसकी साइज, टेंट की साइज़ है 15x15। ये 15x15 का एक टेंट है, उसके अंदर पर्टिकुलर हमने एक एक येलो कलर की हेलोनिक्स कंपनी की रॉड यूज़ की है 400 वॉट्स। टोटल 3 टेंट है ये, तो हमने तीनों के अंदर पर्टिकुलर इसके ऊपर रूफ पे रॉड यूज़ की है। आप देख सकते हो इसका बलून डेकोरेशन, और इस लाइट का ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा है, इसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है। देख सकते हो आप, इसकी लाइट काफ़ी ब्राइट आती है। दोस्तों, ये हमारा स्टेज का साइड व्यू, आप देख सकते हो हमने इसके अंदर पूरा एलईडी और येलो कलर वाली जो मेटल होती है हमने उसको पूरा कवर किया हुआ है। देख सकते हो गाइज आप, हमने इसके अंदर बिग डिपर की एलईडी लगाई हुई है LP007H। ये एलईडी का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। देन हमने पीछे देखेंगे आप लोग तो इसके अंदर पीछे पूरा हमने मेटल से कवर किया हुआ है, और हमने इधर से सामने से भी चार चार करके पार लाइट डाली हुई है अलग से। डेकोरेशन काफ़ी सिंपल और सोबर काफ़ी अच्छा लग रहा था ये डेकोरेशन। हमने इसके अंदर सामने से भी चार चार करके पार लाइट का यूज़ किया हुआ है। हमने इसके अंदर टोटल 16 पार लाइट यूज़ किए, चार चार सामने से, बाकी जो फ्रंट पिलर में वो, और उसके जो बैक पिलर में है वो भी, और उसके बाद हमने दो आइट साइड से 400 वॉट की एलईडी लगाई हुई है। आप देख सकते हो इसका, ये फ़ोटो का व्यू है, आप देख सकते हो फ़ोटो में काफ़ी अच्छा लग रहा है ये स्टेज। आप देख सकते हो दोस्तों हमने कितनी पार लाइट का इसके अंदर यूज़ किया है। ये स्टेज के ऊपर का व्यू है, ये इसके स्टेज से सामने देखने का व्यू है। आप देख सकते हो सामने की तरफ हमने चार पार लाइट यूज़ की है अलग अलग, देख सकते हो आप वीडियो में। हमने चार चार के जो टावर बनाए हुए हैं इससे हमने पूरा इसका गेटअप आ रहा है। देन इसके बाद हम आगे देखेंगे कि हमने पूरा लाइट का सेटअप किस टाइप से कैसा किया हुआ है। आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। हमने दोस्तों काउंटर्स पे भी चार चार एलईडी के टावर बना के दिए हुए हैं ताकि इससे इफेक्ट लाइट काफ़ी अच्छा आता है। दूर से देखने पर स्टेज काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये था हमारा पूरा सेटअप लाइट का, इसके अंदर हमने कौन कौन सी पार लाइट यूज़ की थी मैंने आपको पूरा इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, पूरी इसकी जानकारी दी हुई है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ। Please subscribe my channel and press the bell icon.